नवाज इस वक्त वहां पर अडियाला जेल के सुलाखों के पीछे है। मियां नवाज शरीफ जिसको दिल का अर्जा है अपनी इंतहाई अलील अहलिया को लंदन में खुदा हाफिज कह के आया, अडियाला जेल में उनको पहली रात जमीन पे सुलाया गया। उनका कमरे में शदीद गर्मी, वो दिल के मरीज हैं और दिल मरीज होने की नाते पर उनको अद्वियात सही नहीं दी जा रही थी और वहाँ पर बैतुल खला इंतहाई गंदा था। डॉक्टर्स कहने के बावजूद नहीं आए। मैंने वजीर आजम को खत लिखा, मैंने वजीर आला पंजाब को खत लिखा, मैं जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है, मगर मैं इनको कहना चाहता हूँ कि अगर तुमने नवाज शरीफ को जो तिब्बी मामलात में उसका हक है अगर ना दिया तो फिर ये अवाम होंगे और तुम्हारा गरेबान होगा। बिल्कुल मेरे बुजुर्गों भाइयों नौजवान साथियों, आज मुझे आपने डेरा गाजी खान से अपना उम्मीदवार चुना है। मैं आपका शुक्रिया नहीं अदा कर सकता और जनाब जमाल लगारी साहब का और अवैस लगारी साहब का कई लिहाजों से मैं इनको सलाम करता हूँ। इस वक्त जब के जनूबी पंजाब में जितना नैब ने प्रेशर डाला और जिस तरह लोगों के साथ ज्यादती करके उनको तोड़ा गया, इनको सलाम करो, ये खड़े रहे, ये एक अजीम बाप के बाप हैं। जोर से तालियां बजाएं इनके लिए। और मेरा भाई महमूद कादर खान लगारी, इसको मैं ये बड़ा अजीम सपूत है, इसके ऊपर भी बेपनाह प्रेशर पड़ा। इसने कहा कि मैं इलेक्शन लड़ूंगा तो मुस्लिम लीग नून से लड़ूंगा, वगरना नहीं लड़ूंगा। इसको सलाम करो महमूद खान लगारी को। और अलीम शाह मेरा भाई है, पुराना मुस्लिम लीगी है, ये इसको जरा प्यार करो, ये बड़ा अच्छा आदमी है अलीम शाह, इसको आपने साथ लेके चलना है। मेरे भाइयों बुजुर्गों और बहनों कहते हैं मुझ पे इल्ज़ाम लगाते हैं कि तुमने क्या किया। मैंने कहा मैंने गरीबों को वजीफे दिए, नवाज शरीफ ने बिजली के मंसूबे दिए। याद करो आप जब सैलाब आया था राजनपुर में और डेरा गाजी खान में, याद है कि मैं आपके साथ कदम के से कदम मिलाकर आपके साथ होता था और दिन रात अद्वियात अस्पतालों में आपको खुराक हेलीकॉप्टर से, पैदल, स्कूटर पे, गाड़ी पे, हर जगह मैं आता था जाता था। और उस वक्त जो लोग मेरे साथ थे उन्होंने क्या किया आप अच्छी तरह जानते हैं। हमने हमारा ये कसूर है कि नवाज शरीफ ने इस मुल्क के अंधेरे ख़त्म किए, नवाज शरीफ ने पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाया, नवाज शरीफ सी पैक लेके आया। आज ही चीन के एक सफीर का जो चीन में इस वक्त बहुत बड़ा अफसर है उसने मुझे आज ही खत भिजवाया है। ये इमरान खान की तरह जाली खत नहीं, ये असली खत चीन से मुझे भेजा और कहा कि शहबाज शरीफ तुमने चीन के साथ मिलकर पाकिस्तान की दोस्ती को बढ़ाया है, हम तुम्हारी इज्जत करते हैं और हमारी दुआ है कि तुम आगे भी